लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को बेवकूफ बनाना जरा नामुमकिन है। उसका एक कारण है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जब भी कोई मीटिंग लेते हैं, सूत्रों के अनुसार सबसे पहले वो जानकारी एकत्र करते हैं कि जो मैं मीटिंग लेने जा रहा हूं, इस मीटिंग में जो विषय आएंगे उन विषयों के प्रति मेरे पास पूरी जानकारी होनी चाहिए, और इतनी जानकारी होनी चाहिए कि जब मैं मीटिंग लेने लगूं तो किसी भी अधिकारी से जब मैं कोई सवाल पूछूं तो अधिकारी को यह मालूम हो जाए कि मुझे इस चीज के बारे में पूरी पूरी जानकारी है। पिछले दिनों एक मीटिंग हुई, इस मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर अरविंद जसरोटिया को 27वीं यूनिवर्सिटी काउंसिल मीटिंग में, जो राजभवन जम्मू में हुई, उस मीटिंग में जबरदस्त तरीके से लताड़ा, उन्हें डांटा, और जानकार सूत्रों के मुताबिक उन्हें यह भी कहा कि वो यूनिवर्सिटी की जो अप्रोच है उस अप्रोच से दुखी है, उस अप्रोच से खुश नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर को गुस्सा आया और उन्होंने यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को यह कहा कि जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं आपके पास उस सवाल का जवाब नहीं है। मामला आखिरकार क्या है? मामला यह है कि जम्मू यूनिवर्सिटी ने 37 के करीब करीब लोगों को नौकरियां दी, और इन 37 लोगों को जब जम्मू यूनिवर्सिटी ने नौकरी दी तो उसके लिए जो पैमाना रिजर्वेशन का इस्तेमाल किया वो पैमाना है जो नेशनल लेवल पर रिजर्वेशन का पैमाना है, यानी नेशनल लेवल पर ओबीसी को 27% आरक्षण है। उसी ओबीसी के 27% आरक्षण को जम्मू यूनिवर्सिटी ने यूनिवर्सिटी में एप्लीकेबल किया और 37 लोगों को नौकरियां दी। नतीजा यह निकला कि आज सारे का सारा रोस्टर बिगड़ा हुआ है, और इस रोस्टर के बिगड़ने का कारण यह है कि जम्मू यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार अरविंद जसरोटिया को सूत्रों के मुताबिक इस बात का ख्याल ही नहीं रहा कि जम्मू यूनिवर्सिटी में, जम्मू कश्मीर में अभी तक केंद्र ने या जम्मू कश्मीर की सरकार ने ओबीसी की 27% रिजर्वेशन को लागू नहीं किया है। अभी भी जम्मू कश्मीर में सोशल कास्ट को 4% रिजर्वेशन है। जम्मू कश्मीर की सरकार का प्लान और प्रोग्राम है कि जम्मू कश्मीर में ओबीसी को 27% आरक्षण जो नेशनल लेवल पर मिलता है वही आरक्षण जम्मू कश्मीर में देने के बारे में सरकार विचार कर रही है, लेकिन सरकार ने इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी ने जल्दबाजी करते हुए पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर मनोज धर के कार्यकाल में जानकारी के मुताबिक इस रिजर्वेशन के कानून को उलट दिया और ओबीसी की रिजर्वेशन 27% के हिसाब से रिक्रूटमेंट कर डाली, और अब नतीजा यह निकला है कि सारे का सारा अर्थशास्त्र जो है जम्मू यूनिवर्सिटी का वो बिगड़ा हुआ है। अर्थशास्त्र के बिगड़ने का मतलब यह है कि रोस्टर जो था फैकल्टी की अपॉइंटमेंट का अलग अलग कैटेगरीज में, वो रोस्टर सारे का सारा हिला हुआ है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी कानूनी ऊंच नीच, किसी भी तरीके से कानूनों का उल्लंघन अगर आपने किया है तो उसे कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानूनों के उल्लंघन करने का जो भी भुगतान है वो आप लोग करेंगे, सरकार नहीं करेगी। आप कानून के ऐन मुताबिक जो बनता है वो करिए, आप कैसे करेंगे वो रास्ता आपने तलाश करना है। ये जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से कि जब जम्मू यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर अरविंद जसरोटिया को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पूछा रोस्टर के बारे में, तो बताया जा रहा है कि उन्हें जानकारी ही नहीं थी। जब उन्हें कहा गया बताइए फैकल्टी के रोस्टर का स्टेटस क्या है, तो उन्होंने इस सवाल पर दाएं बाएं करने की कोशिश की, तो इस पर राजभवन ने साफ तौर पर कहा आप बिना तैयार हुए यहां पर आए हैं और अब आप राजभवन को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप ये समझते हैं कि राजभवन को आप क्या कर रहे हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के कैंपस में उसकी जानकारी नहीं है। हमारे पास पूरी जानकारी है। ये एक चीज है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को बाकी जितने भी राज्यपाल जम्मू कश्मीर में रहे हैं उनसे अलग करती है। अलग इसलिए करती है क्योंकि उपराज्यपाल के तौर पर
गंभीरता के साथ अपने कार्य को लेना और गंभीरता के साथ अपने कामकाज को लेने के साथ साथ में अफसरों को बेवकूफ बनाने का मौका नहीं देना, यही एक अच्छे राज्यपाल की पहचान है। उसके बाद उन्होंने ऑनलाइन बायोमेट्रिक अटेंडेंस की बात भी की, यूनिवर्सिटी के कुछ और आंतरिक मामले हैं उन पर भी बातचीत हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जम्मू यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर अरविंद जसरोटिया जो एक काबिल और लायक प्रोफेसर हैं, लॉ डिपार्टमेंट में कानून के लॉ डिपार्टमेंट में एचओडी रहे हैं, कानून के खुद बेहतरीन जानकार हैं, उनके कार्यकाल में दो बड़ी चीजें हुई। पहला आपको याद होगा कि सोशियोलॉजी विभाग के एक एसोसिएट प्रोफेसर ने आत्महत्या की, उसके बाद एक यूनिवर्सिटी में ही काम करने वाले एक और छोटे कर्मचारी ने आत्महत्या की, उसके बाद यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी की जो जम्मू यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन है उन्होंने आंदोलन किया, लंबे समय तक वो आंदोलन भी चलता रहा। उस आंदोलन के खत्म होने के बाद अब ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से डांट पड़ी है, ये डांट अपने आप में दर्शाती है कि यूनिवर्सिटी में सब चीजें ठीक नहीं है। उसके बाद जब एक पत्रकार ने उनसे ये पूछा कि उनसे बातचीत करने की कोशिश की, मैंने भी उनसे कोशिश की बातचीत करने की, बातचीत नहीं हो पाई। जाहिर सी बात है जब इस तरह की चीजें होती हैं तो उसका जवाब जवाब मांगते हैं, तो जवाब में यह कहा जाता है कि जी ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, ये तो आप बता रहे हैं मुझे, मुझे तो इसकी कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि मेरे पास सारा रिकॉर्ड है लेकिन अभी मुझे याद नहीं है। उससे लेफ्टिनेंट गवर्नर को और गुस्सा आया, उन्होंने उन्हें यह बताया कि आप जम्मू यूनिवर्सिटी के गार्जियन हैं और इस तरह की अप्रोच जो है पूरी यूनिवर्सिटी के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने यूनिवर्सिटी के प्रशासन को यह कहा कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी जम्मू कश्मीर की सरकार की है उसी रिजर्वेशन पॉलिसी को आप इन टोटो इंप्लीमेंट करेंगे, और उन्होंने यह कहा कि जो केंद्र की पॉलिसी है चूंकि अभी तक वो लागू नहीं हुई है इसलिए जो रोस्टर आपने बनाया है उस रोस्टर को लेकर आपको दोबारा से सोचना होगा। इसमें चिट्ठी भी 1 फरवरी 2021 को आई थी जिस चिट्ठी में साफ किया था यूजीसी ने, उन्होंने कहा था ऑल सेंट्रली फंडेड यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर्स रूल्स ऑन द रिजर्वेशन इन देयर इंस्टीट्यूशंस। सेंट्रली फंडेड यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस जिन्हें केंद्र फंडिंग कर रहा है उन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को केंद्र के कानूनों का पालन करना है, लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग इट्स एफिलिएट कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस एंड अदर इंस्टीट्यूशंस फंक्शनिंग विद इन द स्टेट शुड फॉलो द परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन फॉर एसटी एससी एंड ओबीसी एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जरूर बना है लेकिन केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भी आज भी जम्मू यूनिवर्सिटी को जो पैसा है वो जम्मू कश्मीर की सरकार देती है और उसके अलावा यूजीसी की ग्रांट्स आती हैं। अगर स्थिति यह है तो इस स्थिति में केंद्र के कानून को लागू करना और केंद्र की उस रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू करना जिसे जम्मू कश्मीर की सरकार ने अभी तक स्वीकृति नहीं दी है, यानी ओबीसी की 27% रिजर्वेशन अभी जम्मू कश्मीर में हुई नहीं है, आने वाले दिनों में हो सकती है। इसी के चलते पड़ी जम्मू यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को डांट और उन्हें कहा गया कि अब आप रोस्टर को ठीक कीजिए और आप इसको उसी तरीके से कीजिए जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की के रिजर्वेशन के रूल्स कहते हैं, रिजर्वेशन का क्राइटेरिया कहता है। हर जगह जब आप जाते हैं और आप किस सोच कर जाते हैं कि तैयारी करने की जरूरत नहीं है, शायद कोई सख्त सवाल नहीं पूछे जाएंगे। प्रशासन बदल चुका है और प्रशासन में जो आदमी सबसे ऊपर वाली कुर्सी पर बैठा है वो रोज जम्मू कश्मीर को लेकर, जम्मू कश्मीर के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को लेकर जानकारी लेता रहता है और मीटिंग से पहले पूरी कोशिश करता है कि जब मीटिंग हो तो मेरे पास सवाल इतने हो कि अधिकारी जब जवाब देना शुरू करें तो वो भी हैरान हो जाएं कि इतनी जानकारी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास आखिरकार आई कहां से।